लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने हाल ही में ग्लोबल निवेशकों के साथ बातचीत में ये संकेत दिया कि LIC जनवरी के तीसरे हफ्ते में अपने IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार भी कई मौकों पर ये कह चुकी है कि LIC के IPO को इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक ला दिया जाएगा और इस पर लगातार काम जारी है। केंद्र सरकार ने इन दावों को भी खारिज किया कि IPO को इस तय समय के बाद भी लाया जा सकता है। आइए बताते हैं कि LIC के IPO को लेकर अभी तक क्या क्या जानकारियां सामने आ चुकी हैं। तीसरे हफ्ते में जमा हो सकता है ड्राफ्ट पेपर। LIC अपने प्रस्तावित IPO के लिए SEBI के पास जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो LIC अधिकारियों ने ग्लोबल निवेशकों के साथ हुई बातचीत में इस बात के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारी पिछले कई महीने से ये कहते रहे हैं कि IPO की लिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 से पहले पूरी हो जाएगी। LIC के अधिकारियों ने निवेशकों से हुई बातचीत में ये भी कहा कि कंपनी पेंशन, एन्यूटी, हेल्थ इंश्योरेंस और UL IPS जैसे प्रोडक्ट पर अपना फोकस बढ़ा रही है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि आगे कंपनी का फोकस बैंक अश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट पर रहेगा। साथ ही कंपनी ज्यादा यंग एम्प्लॉयज को हायर करने पर जोर देगी जिससे उसकी डेमोग्राफिक में बदलाव आ सके। उम्मीद से कम रह सकता है वैल्यूएशन। एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक LIC के IPO की वैल्यूएशन उतनी नहीं होगी जितना अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार LIC का वैल्यूएशन अनुमान से कहीं कम कीमत पर कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि LIC का वैल्यूएशन लाखों करोड़ों रुपए का होगा लेकिन ये सिंगल डिजिट में होगा, यानी इसका वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ रुपए से कम होगा। पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व। LIC के IPO में कम से कम 10% हिस्सा पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व रहेगा। LIC ने कहा है कि LIC के किसी भी IPO में हिस्सा लेने के लिए पॉलिसी धारक चेक कर ले कि रिकॉर्ड में दिए पैन की जानकारी सही है या नहीं। वह पैन की जानकारी को अपडेट कर ले। अगर किसी पॉलिसी धारक के पास वर्तमान में वैलिड डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसे अपने खर्च पर खोलने का प्लान कर लेना चाहिए। कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है कि डीमैट अकाउंट खोलने और पैन अपडेट करने में जो भी खर्चा आएगा वो पॉलिसी होल्डर खुद उठाएगा। 10 मर्चेंट बैंकर्स की हुई नियुक्ति। LIC के IPO के लिए सारिल अमरचंद मंगलदास को लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सरकार ने पिछले महीने इस IPO के लिए 10 मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति की थी। इनमें गोल्डमैन साच सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल है। ये देश के सबसे बड़े IPO का प्रबंधन करेंगे। इसके अलावा कुछ और बैंकों को भी इस IPO के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।